एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत अच्छे से। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हाउ टू फिक्स फ्लॉपी आर्म, आपकी ढीली बाहों की एक्सरसाइज शेयर करेंगे, जो आपके हाथों की बहुत ज़्यादा चर्बी है और आपके हाथों में बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे नीचे डाउन नहीं रहता, उस तरह से अगर आपके हाथों में है तो आप इस एक्सरसाइज को करके अपने हाथों की फ्लॉपी को दूर कर सकते हैं, ढीली बाहों को ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है एल्बो सर्कल आर्म। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप अपने दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम आर्म सर्कल करेंगे, इसको भी हम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करेंगे। ये भी हमारी ढीली बाहों की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में, उनको टाइट करने में और उनको एक अच्छे से फिट करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। फ्लॉपी आर्म के लिए बहुत ही अच्छी बेस्ट एक्सरसाइज मैंने आपके साथ शेयर की है, जो बहुत ही यूज़फुल हैं आपके लिए। नेक्स्ट है आर्म फ्लाइंग। इसमें आप अपने दोनों हाथों को जिस तरह से देख रहे हैं, इस तरह से आगे की तरफ एक जैसे बर्ड फ्लाई नहीं करती हैं, तो उस तरह से हमें अपने दोनों हाथों को उसी पोजीशन में उसी तरह से करना है। ये भी हमारे हाथों के ढीले त्वचा मसल्स के लिए, ढीले मसल्स के लिए बहुत ही अच्छी है। जैसे बहुत ज़्यादा चर्बी है और हमारे हाथों के जो बाजू हैं उस बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है, लटक चुके हैं नीचे की तरह, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है पुश एंड आर्म क्रॉसओवर। ये भी बहुत अच्छी है हमारी नसों के टाइट करने के लिए, मसल्स को टाइट करने के लिए। तो थोड़ा सा होता है ना कि जैसे हमारे हाथों में ऐसे वो आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लटकता है बाजू, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी है। साथ में आपके जैसे साइड में आर्मपिट हो गया तो आपकी जो बाजू होती है उसके नीचे, तो आर्मपिट को भी ख़त्म करता है। नेक्स्ट है हमारा रिस्ट एक्सटेंसर। इसमें जैसे हम हाथ जोड़ते हैं अपना, उसी तरह से बनाना है बट हमें अपोजिट में करना है। इसमें जिस तरह से आप देख रहे हैं हमें अपोजिट करना है प्रेयर के बिल्कुल। ये भी बहुत ही अच्छा होती है आपके ढीली बाजुओं के टाइट करने के लिए, उसको फिट रखने के लिए। जब बहुत ज़्यादा चर्बी हो जाती है तो हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती हैं और लटकने लगती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे 30 डेज तक कंटिन्यू फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नसें जो है धीरे धीरे टाइट हो रही हैं। नेक्स्ट है बैक हैंड राइसेस। ये भी बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। विदाउट जंपिंग, विदाउट इक्विपमेंट आप इस एक्सरसाइज को आप अपने घर पे रेगुलर बेसिस पे करके अपने हाथों के स्ट्रक्चर को अच्छा कर सकते हैं, अपने हाथों की जो बनावट है उसको एक शेप में ला सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इनर बाइसेप कर्ल। इसमें भी आप जिस तरह से देख रहे हैं, इसलिए मैं बैक से दिखा रही हूँ, तो आपको इस तरह से अपने हाथों को करना है। 1 मिनट तक सभी एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू रखेंगे। 5 to 10 सेकेंड आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद सभी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही यूज़फुल हैं। किसी भी एज ग्रुप में हो आप कर सकते हो, आप गर्ल्स हों, हाउसवाइफ हों, या आप ऐसे ही वर्क करते हों और आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं वर्कआउट को, तो ये बहुत ही ईजी है। विदाउट जंपिंग है, विदाउट इक्विपमेंट है, आप इसको आराम से बैठ के अपने घर पे भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने दिखाया अभी, इस तरह से अगर फर्स्ट में आप अपनी बॉडी को रखते हैं तो वो गलत है। जिस तरह से मैंने अभी अभी डाउन किया अपनी बॉडी को और अपने कमर से अपनी हेड को स्ट्रेट किया, उस तरह से करेंगे तो इसका रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। ये है स्टैंडिंग किक बैक एक्सरसाइज। ये भी हमारे हाथों की बाजुओं को
एकदम से स्ट्रक्चर मिलाने के लिए और एक अच्छी शेप देने के लिए और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, ये भी बहुत ही अच्छी है आपके आम पीठ को ख़त्म करने के लिए, बाजुओं के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको शेप में लाने के लिए, एक आपको हाथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मैंने जितनी भी एक्सरसाइज की हैं बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही बेस्ट हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियो मेरे चैनल पर हैं, आप जाके उसको प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। मैंने इक्विपमेंट के साथ, विदाउट इक्विपमेंट के साथ बहुत सारी एक्सरसाइज शेयर की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।